जिग्लोस क्या होते हैं, ये एक ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि हर कोई जानना चाहता है और उन्हें बहुत ज़्यादा अपीलिंग भी लगता है कि ये बहुत बढ़िया काम है, पे भी मिलता है, औरत को सैटिस्फाई भी करना होता है। ये किस तरह की इंडस्ट्री है, किस तरह का काम है, जिग्लोस कौन होते हैं, सबके बारे में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ अपनी हर वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं या इसके बारे में सही से नहीं समझ रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं बात कर रही थी जिग्लोस। ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में सिर्फ आपको दो ही इमेजेस सामने आती हैं, वो है अक्षय कुमार और कहीं ना कहीं जॉन अब्राहम की, क्योंकि हमने वो मूवी बहुत अच्छे से देखी है कि किसी ना किसी तरीके से जब उनका जॉब रिसेशन में आ जाता था तो उन्होंने इस तरह का जॉब ज्वाइन किया और वो उन्हें पैसे देता था, इतने पैसे कि वो फिर से अपनी एडुकेशन ज्वाइन कर पाए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल ली। सबसे पहले समझिए कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द ट्रेंड है और ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी या एक्सेसिवली सैड होने की ज़रूरत है। जैसे फीमेल प्रोस्टिट्यूशंस होती हैं, वैसे मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी होते हैं। उनको कहीं ना कहीं अलग अलग नाम दिया जाता है और उसमें एक बहुत ही कॉमन ट्रेंडिंग नाम है जिग्लोस का। जिग्लोस आर दोज पर्सन जिनको पैसों के नाम पे सेक्सुअली एक्सप्लॉयट होना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल नेटवर्क है, इस काम में कोई भी खुशी से नहीं जाता, जैसे फीमेल खुद से प्रोस्टिट्यूशंस में नहीं जाती। कहीं ना कहीं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर लैक ऑफ गाइडेंस या फिर किसी तरह का एडिक्शन, पेरेंट्स में एडिक्शन जो बच्चों को सेल कर देते हैं, या फिर इस तरह के लोग जो पे करके इनका बेनिफिट ले सकते हैं वो इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं और पे करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको लाखों करोड़ों में पेमेंट मिलने वाली है अगर आप ये जॉब ज्वाइन कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने सेक्स टॉर्शन और सेक्स स्कैम के वीडियो में ये बात बताई थी कि इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो आपको मैसेज करते हैं कि आइए ज्वाइन कीजिए, मजा लीजिए और इतने पैसे कमाइए, विच इज एब्सोल्युटली फेक और आपकी आइडेंटिटी को भी खराब करने वाले हैं। ये जो लोग इस प्रोफेशन में हैं या जो बच्चे या जो बड़े इसे कर रहे हैं वो आउट ऑफ मजबूरी कर रहे हैं और ये कहीं भी प्लेजर वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट सिर्फ फीमेल्स लेती हैं क्योंकि पुरानी यूट्यूब में कहीं ना कहीं किसी वीडियो में या आपने गूगल पे पढ़ा है कि बहुत सारी फीमेल्स इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर भी ऐसा हो रहा है, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट फीमेल्स। मेल्स भी इस बेनिफिट को लेते हैं जो कि गे सेक्स या पेगिंग को एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां बात हो रही है मेल मैस्योर की या फिर मेल सेक्स बॉय की या फिर जिग्लो की, वहां बात बॉडी बेनिफिट उठाने की है जो कि एब्सोल्युटली पेड वर्क है जिसके अंदर किसी भी तरह के इमोशंस का ध्यान नहीं रखा जाता। सबसे बड़ी बात है कि अगर इनकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या किसी तरह का STI हो जाए या किसी भी तौर तरीके का हर्ट हो जाए तो दूसरे इंसान का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो एग्जैक्टली आपको एक समय बाद ऐसा फील आता है दैट यू आर नॉट वर्दी, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ लोग यूज कर रहे हैं। तो प्लेजर सिर्फ सुनने वाले के लिए, लेकिन एग्जैक्टली जो इसके अंदर है उसके लिए ट्रॉमा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई इस जॉब में ऑलरेडी है उसको हमें गलत नजर से नहीं देखना है। अगर कोई फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं तो वो बराबर की इज्जत एक्सपेक्ट करती हैं हमसे। अगर कोई उनका सर्विस ले भी रहा है या उनका बेनिफिट लेता भी है तो वो उसका पर्सनल चॉइस है और हम उसके अंदर सही या गलत या उनको जज करने वाले नहीं होते। बट अगर आपको ये चीज अपील करती है तो उसको दो बार जरूर सोचें और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े वाले जो ये आपके स्कैम्स चल रहे हैं कि आप 50,000 8,000 कमाएंगे, बहुत सारी लेडीज हैं जो कि आपके साथ करना चाहती हैं और जब आप पॉर्न पे देखते हैं आप उत्तेजित हो जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली अ फेक सिनेरियो जहां पर आप लूटने वाले हैं फाइनेंशियली साइकोलॉजिकली। तो दो बार सोचें बिफोर गोइंग टू दिस प्रोफेशन। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें। बहुत जल्दी एक और वीडियो, कोई और टॉपिक है उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ और अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।